तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को पिछले हफ्ते ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह 23 मार्च तक एजेंसी के हिरासत में है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारत के राष्ट्रपति की नेता कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीषा सिसोदिया सहित शीर्ष नेताओं के साथ साजिश की जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं की कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। ईडी के एक बयान के अनुसार कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित एएपी के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी। एजेंसी ने कहा, इन एहसासों के बदले में वह आपके नेताओं को 100 करोड़ रुपये देने में शामिल थी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी को पिछले हफ्ते ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह 23 मार्च को एजेंसी के हिरासत में है। ईडी ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन भ्रष्टाचार साजिश के जरिए आपके थोक विक्रेताओं से सृष्टि रूप में अवैध धन की 170 धारा उत्पाद की गई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि 45 वर्षीय बीआरएस नेता और सहयोगी के आपको आगामी भुगतान की गई अपराध की आय की वसूली करनी थी और इसे पूरी साजिश से अपराध की आय को आगे बढ़ाना था। बीएसएस एमएलसी की रिमांड की मांग करते हुए ईडी ने विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम अदालत को बताया कि कविता दिल्ली उत्पाद शुक्ला नीति घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी में से एक थी। कविता ने पहले कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और आरोप लगाया था कि केंद्र ईडी का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि भाजपा तेलंगाना में पिछले दरवाजे से प्रवेश हासिल नहीं कर सकती है। आपने आरोप लगाया है कि भाजपा राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए ईडी और सीबीआई को अपने मुद्दों के रूप में इस्तेमाल कर रही है। एजेंसी ने कहा कि उसने 2022 में मामला दर्ज होने के बाद से देश भर में 245 स्थानों पर तलाशी ली है और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, आप नेता संजय सिंह और कुछ शराब सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसने इस मामले में अब तक कुल 7 आरोप दाखिल किया है और 128 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।